तो मान लीजिए कि 2025 का चुनाव में लालू जी नजर नहीं आएंगे, ना नीतीश जी नजर आएंगे, ना हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नजर आएंगे, ना माझी जी नजर आएंगे, नए नेतृत्व को मौका मिलेगा, तो नए नेतृत्व में जिनके पास क्षमता होगा क्यों नहीं काम कर सकता। तो देखिए आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में आज बोल देना उचित नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में बिहार का बेहतर विकास हो उसके लिए जो भी कुर्बानी हमें देना पड़ेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जितना झुकना पड़ेगा उतना झुकने के लिए तैयार हूँ। बिहार के 13 करोड़ जनता लोगों को कैसे विकास हो, कैसे वो आगे बढ़े, जिस तरीके से बिहार हमारा पूरे भारत में हर राज्य से गरीब राज्य है, वो कैसे आगे बढ़े, तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना, उसके लिए आने वाले समय में सब लोग एक साथ अगर एक मंच पर आते हैं तो मैं सबका स्वागत होगा। तो ये सारे चीज़ आने वाले समय की बात होगा। अभी तो फिलहाल हम अपनी पार्टी को जनाधार बढ़ाने के लिए, पार्टी पदाधिकारी से मिलने के लिए पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, और जो लोग बिहार के तरक्की के लिए काम करेंगे सबको शुभकामना देता हूँ। जातीय जनगणना फिर से मांग बढ़ने लगी है, जातीय जनगणना पर आपकी क्या राय है, क्या होना? स्पष्ट राय है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग हमने माननीय प्रधानमंत्री से जाके मिला, हम लोगों ने आग्रह किया है कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। जहां जिस देश में हर चीज़ की जानकारी है, आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उस मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट होता है, गाड़ी खरीदते हैं उसका नंबर प्लेट होता है, हमारे पास पशु कितना उसकी गिनती होता है, हमारे राज्य में पेड़ पौधा कितना उसकी गिनती होता है, हमारे राज्य में कितना गेहूं का फसल हुआ, कितना धान का फसल हुआ, उस सारे आंकड़ा जब हमारे पास है तो हमारे राज्य में या देश में जाति क्यों नहीं जनगणना होना चाहिए, किस जाति किस समुदाय के लोग किस धर्म के लोग कितने संख्या में, उनके विकास के लिए क्या रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा तब क्या विकास का रोड मैप बनाइएगा। आज आपके घर में 10 आदमी खाना खाने वाला है, जब 10 है तब ना आप सोचते हैं कि 2 किलो चावल लगाना पड़ेगा, अगर 100 हो या 5 हो तो फिर उस हिसाब से आप लगाइएगा। तो उसी तरीके से हमारे राज्य में या देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए, और इसके लिए वीआईपी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हमने तो राज्य सरकार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने कहा था कि आप जातिगत जनगणना राज्य के खर्चे से कराइए, उसमें हमारी पार्टी 5 करोड़ रुपया का सहयोग करने के लिए तैयार है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार में और देश में जातिगत जनगणना हो, केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द कराए, और इसके लिए आने वाले समय में वीआईपी पार्टी आंदोलन भी करेंगे राज्य में कि जातिगत जनगणना जल्द से जल्द हो। कल संजय जायसवाल जी राज्य भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि ये केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर कराने नहीं जा रही है, बाकी नीतीश जी की मर्जी है, इस पर आपका क्या कहना? आखिर मुझे ये बता दीजिए ना, क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये देश के जनता को आप बताइए ना भाई, देश के जनता के लिए ही केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, इन लोगों को काम करने के लिए है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए, और ये बताइए कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये क्यों नहीं करना चाहिए, आप पूरे देश के जनता को आप समझा दीजिए कि नहीं करना चाहिए। और देश के लोग अगर समझ जाएंगे तो जातिगत जनगणना का आवाज़ ही नहीं उठेगा। हमें तो पता है कि देश की जनता को जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि आज हो रहा है बड़ा मछली जो है छोटे मछली को खा रहा है। जब तक बड़े मछली और छोटे मछली का परिभाषित नहीं होगा कि बड़ा मछली कौन है छोटा मछली कौन है, तब तक कैसे होगा? आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण किए ना, उसमें उन्होंने कैटेगरी दिया कि 8 लाख कमाने वाले लोगों को गरीब है, उन्होंने सबको लिए जनरल क्यों नहीं कर दिया? जो 80 लाख कमाने वाला उसको क्यों नहीं आरक्षण दे रहा है? क्यों नहीं उन्होंने बैरियर लगाया? क्योंकि जो सक्षम है उनको नहीं मिलना चाहिए। उसी तरीके से जब जाति का जनगणना होगा तो इसमें सारा चीज़ डिफाइंड हो जाएगा कि आर्थिक आधार भी हो जाएगा, जाति भी हो जाएगा कि कौन जाति समूह में गरीबी में जी रहे हैं लोग। आज हमने देखा कि अति पिछड़ा के लिए हमने कर्पूरी जयंती पे हमने पेपर के माध्यम से हमने दिखाया कि हमारे अति पिछड़ा का पहले 96 जाति था, उसके बाद के सरकारों ने इसमें 128 जाति यानी कि तकरीबन 32 जाति को ऐड कर दिया, लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया, और कोटा नहीं बढ़ाने के कारण ये हुआ कि पुराने अति पिछड़ा के जितने भी जाति है 18% के जगह उनको 8% आरक्षण मिल रहा है, और नए जो जुड़े गए उनको 10% वो लाभ ले रहा है, और उसमें ऐसे ऐसे मजबूत जाति जो लोग जुड़ चुके हैं जो खुद अपने आप में सबल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है जब वो जाति इसमें जुड़ा है तो उनके लिए कोटा बढ़ाया जाए, और इसके लिए हमने 15% अति पिछड़ा कोटा में हम मांग कर रहे हैं कि उनको आरक्षण दिया जाए। इसलिए आज देश में आप कोई भी आरक्षण का पैमाना बना रहे हैं, आपने 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया तो क्या पैमाना बनाया, आपने 15% आरक्षण आपने दिया SC ST को उसके लिए क्या पैमाना आपने बनाया, 18% अति पिछड़ा को आपने आरक्षण दिया क्या पैमाना बनाया? भाई जनसंख्या के आधार पर ही आप बनाएंगे, और जब तक जनसंख्या गिनती नहीं होगा तो आप किस पैमाने पर आरक्षण को लागू कराएंगे, अब कैसे लोगों तक पहुँचेगा?
तो ये सारे चीजें के लिए आप देखिए हमारे राज्य में आदिवासी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी का कोटा को कम किया गया, एससी को जोड़ा गया। तो उसी तरीके से देश में जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक सही आंकड़ा सही विकास भारत में दूर रहेगा।